नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आपको भी रहता है इंतज़ार महफिल के सजने का, क्योंकि जो शायर साहिबान होते हैं वो आपके दिल को लूटने के लिए आते हैं, आपके दिल की बात कहते हैं और कहते हैं कि शायरी वैसे बड़ी खूबसूरत शय है, कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर शायरी है और सीधा दिल से दिल तक पहुंचने का रास्ता है शायरी। और इसी अंदाज के शायर आज हमारी महफिल की शान है। तो दोस्तों, वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए सीधा सीधा जो है हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने जो आज के हमारे शायर हैं उनसे आपका परिचय भी करवाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में बैठे हैं, जी हाँ, बात कर रही हूँ आलोक शर्मा जी की। और दोस्तों, आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं आरपी सेठी कमाल साहब, प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल साहब हैं जी। और आलोक जी के ठीक बगल में बैठे हैं पवन शर्मा जी। और आते हैं थोड़ा सा इस तरफ कमाल साहब की ओर, और कमाल साहब के ठीक बगल में बैठे हैं, मंद मंद मुस्करा रहे हैं जी, बात कर रहे हैं कुमार शर्मा अनिल साहब की। तो दोस्तों, अनिल साहब हैं, सेठी कमाल साहब हैं और आलोक जी हैं, पवन जी आ चुके हैं। तो हमारी जो महफिल है पूरी तरह तैयार है आगाज़ के लिए, और अब बगैर देर किए, बगैर वक्त को गवाए हम सीधा कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत शायर से जो दिल की बात कहते हैं जी। बात कर रही हूँ आलोक शर्मा जी की, मेरे ठीक बगल में बैठे हैं। और आलोक जी के बारे में मैं कहूँगी कि आप गीत, गज़ल, नज़्म, कविताएं और कहानियां, मतलब लघु कथाएं सभी विधाओं में लिखते हैं, प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, अवार्डेड हैं और भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, अपना खास साहित्य जगत में अपना नाम है, पहचान है, परचम लहराए हुए हैं। और उनको मैं दावत सुखन देती हूँ गीत पढ़ने के लिए, और उनके लिए मैं यही कहूँगी कि क्योंकि स्वागत तो करेंगे लेकिन कुछ ख़ास अंदाज में बात करती हूँ कि उन्हीं के लिए है, अंदाज़ भी उनका ही है कि मोहब्बत के अंजाम और जुदा होते हैं, मोहब्बत के अंजाम अदा जुदा होते हैं, कोई टूट के चाहता है, कोई चाह के टूट जाता है। तो मोहब्बत भरी शायरी करते हैं और दिल की बात कहते हैं, लेकिन इनकी शायरी सुनकर टूटा हुआ जुड़ जाता है, ऐसे शायर हैं। तो आलोक शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी जी, कि आज फिर आपने हमें याद किया जी। आज मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ जी, इस भागती दौड़ती दुनिया में कई बार हम इतने खो जाते हैं कि पुराना वक्त, पुराने वो गांव, पुराने वो दृश्य हमें बहुत याद आते हैं जी। इसी पे आधारित एक गीत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। प्रगति की भूख और स्वार्थी दौड़ में छिन गए वो पल छिन, कुछ पलों के लिए सही लौटा दो वो पीते दिन, लौटा दो वो बीते दिन। प्रगति की भूख और स्वार्थी दौड़ में छिन गए वो पल छिन, कुछ दिनों के लिए सही लौटा दो वो बीते दिन, लौटा दो वो बीते दिन। सकरी गली नुक्कड़ चौराहा चौबारा वो मोहल्ला, बहुत अच्छा, चोर पुलिस पो संपा लंगड़ी बच्चों का वो हल्ला गुल्ला, सकरी गली नुक्कड़ चौराहा चौबारा वो मोहल्ला, चोर पुलिस पो संपा लंगड़ी बच्चों का वो हल्ला गुल्ला, रोंगटे खड़े कर दिए। किससे सुन सो जाना,
किससे सुन सो जाना वो, किससे वो सो जाना, घर की छत पे तारे गिन, कुछ दिनों के लिए सही लौटा दो वो बीते दिन, लौटा दो वो बीते दिन। क्या बात है। सरल सहज वो चेहरे, चूल्हा चवन्नी चार पाई, क्या बात है, वाह वाह। कहाँ खो गई पूरे मोहल्ले की वो बूढ़ी ताई, वाह। सरल सहज वो चेहरे, चूल्हा चवन्नी चार पाई, कहाँ खो गई पूरे मोहल्ले की वो बूढ़ी ताई। काम नहीं होता था कोई, काम नहीं होता था कोई, बड़ों की सलाह के बिन, कुछ पलों के लिए सही लौटा दो वो बीते दिन, लौटा दो वो बीते दिन। चूल्हे की रोटी, बापू की सोटी, दो चोटी की बहना, क्या बात है। साड़ी का पल्लू मुंह पे रख वो, माँ का रूठ के रोना, क्या बात है। चूल्हे की रोटी, बापू की सोटी, दो चोटी की बहना, साड़ी का पल्लू मुंह पे रख वो, माँ का रूठ के रोना, बूढ़ी सास का अक्सर रहना, बूढ़ी सास का अक्सर रहना, अपनी बहू से खिन, कुछ पलों के लिए सही लौटा दो वो बीते दिन, लौटा दो वो बीते दिन। आजकल का जैसे वक्त चल रहा है उस पर ये पंक्तियां देखें कि फास्ट लाइफ है, फास्ट फूड है, हर चीज है फास्ट, फास्ट प्रगति के लिए ही आजकल रखे जाते हैं फास्ट, फास्ट लाइफ है, फास्ट फूड है, हर चीज है फास्ट, फास्ट प्रगति के लिए ही अब रखे जाते हैं फास्ट। कलियों का चमन पिता पुत्र देखे, शीला की जवानी पिता पुत्र देखे, जलेबी बाई पिता पुत्र देखे, रास नहीं है भजन, कुछ दिनों के लिए सही लौटा दो वो बीते दिन, लौटा दो वो बीते दिन, लौटा दो वो बीते दिन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया लगती है। और लौटा दो बीते हुए दिन, हमें तो लगता है कि हम उन बीते दिनों में लौट गए हैं, हम खुद वहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ जहाँ आपका आपने मंजर दिखाया, पूरी मंजर कशी है, पूरा सब आँखों के आगे है। और एक बात, हम तो तैयार बैठे हैं महफिल को सजाए हुए, और इस काफिले को आगे बढ़ाते हैं, शम्मा रोशन है तो शमा को बढ़ाते हैं, आर पी सेठी कमाल साहब, यानी प्रोफेसर आर पी सेठी कमाल साहब उम्दा शायर हैं, बड़े वट वृक्ष साहित्य के बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े शायरों के साथ जो है मंच साझा किए हुए हैं, राहत इंदौरी साहब हैं और भी बहुत से बड़े नाम हैं, और ख़ुद भी जो हैं इतना गज़ब का लिखते हैं कि आप खुद उनकी शायरी के मुरीद हो जाएंगे। मैं विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ हूँ, और आप गुड़गांव से हैं तो मैं दावत सुखन देती हूँ प्रोफेसर आर पी सेठी कमाल साहब को, लेकिन एक अंदाज के साथ कि तेरे जाने से कुछ भी बदला नहीं, सेठी साहब जी, तेरे जाने से कुछ भी बदला नहीं, रात भी आई चांद भी था पर नींद नहीं, तेरे जाने से कुछ भी बदला नहीं,
तो मैं दावत सुखन देती हूँ प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल साहब को। जी स्वागत। जी बहुत शुक्रिया। एक शेर से इब्तिदा करता हूँ। जी। कोई झुर्री दिखाई ही नहीं देती है चेहरे पर। अच्छा। कोई झुर्री दिखाई ही नहीं देती है चेहरे पर, मोहब्बत की निगाहों पे कभी जाला नहीं आता। क्या बात है, वाह भाई वाह, मैंने पहली बार सुना इतना अच्छा शेर, खूबसूरती के ऊपर। कोई झुर्री दिखाई ही नहीं देती है चेहरे पर, मोहब्बत की निगाहों पे कभी जाला नहीं आता, और मोहब्बत की फसीलों में दरारें पड़ नहीं सकती। जो एक किले की दीवारें होती हैं, मोहब्बत की फसीलों में दरारें पड़ नहीं सकती, मोहब्बत की फसल को कोई पाला खा नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, बात खूब। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ इसके पीछे सिर्फ 10 सेकंड का एक बहस जी, कि मैं 45 साल बाद अपने पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में गया, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। वहाँ से मैं जब उतर रहा था, तीसरी मंजिल पे था, बहुत थका हुआ था, मेरे से चढ़ा नहीं जाता। मैं पहली सीढ़ी नीचे उतर रहा था और एक मोहतरमा पहली सीढ़ी लास्ट आखिरी सीढ़ी ऊपर आ रही थी, लेकिन उसके हाथ में छड़ी थी, चेहरे पे मास्क था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। कोई पढ़ने वाली लड़की होगी मैंने सोचा, और वो सीधी लाइब्रेरी में जा रही थी। लाइब्रेरी में मैंने यहाँ लिखा है कुतुब खाना, और स्टूडेंट के लिए लिखा है तालिबे इल्म। बस उसको देखकर मैंने घर पे जो लिखा जी, स्वागत। वो आपके सामने जी इरशाद। तालिबे इल्म थी, आई थी कुतुब खाने में। अब वो क्योंकि सांस बड़ी मुश्किल ले रही थी, तो मैंने उसको कंपैरिजन किया है, उसकी तुलना की है। एक थकी सांस, वो टूटी बहर सी एक लड़की, टूटी बहर जिसकी लय टूट गई थी, चल रही सांस चढ़े हुए थे। हाँ। तालिब इल्म थी, आई थी कुतुब खाने में, वो थकी सांस, वो टूटी बहर सी एक लड़की, वो जिसके जिस्म में चंदन की सी खुशबू आए, वो जिसको, वो जिसकी चाल गजाला को भी शर्मिंदा करे, हिरनी को, वो जिसकी चाल गजाला को भी शर्मिंदा करे, वो जिसको देखकर पीरों के दिल भी मेले हों। बहुत बढ़िया जी, बहुत से। वो जिसको देखकर पीरों के दिल भी मेले हों, वो थकी सांस, वो टूटी बहर सी एक लड़की, वो हाफता सा बदन और लड़खड़ाते कदम। इससे अगला मिसरा आप जरूर, आपके दिल तक पहुंचेगा, ये सारे दिल तक गए हैं। वो हाफता सा बदन और लड़खड़ाते कदम के जैसे जाम गटक कर शराब आया हो, कि जैसे जाम गटक कर शराब आया हो, वो महताब, वो पीला पड़ा हुआ चेहरा थकान से, बेरहम सीढ़ियां, सीढ़ियां बेरहम हो गई, बेरहम सीढ़ियां, रुक रुक के वो चढ़ना उसका, वो महजबीन, वो जामे शराब, क्या कहिए, वो थकी सांस, वो टूटी बहर सी एक लड़की। क्या बात, तालिब इल्म थी, आई थी कुतुब खाने में। अब अगले मिसरे पर भी आपका आपकी मोहब्बत चाहूंगा जी। तालिब इल्म थी, आई थी कुतुब खाने में, कि जैसे कुरान चली आई हो मैं खाने में। क्या बात है, वाह बहुत खूब। तालिब इल्म थी, आई थी कुतुब खाने में, कि जैसे कुरान चली आई हो बुतखाने में, फिर वहां जितने भी दीवान थे अलमारियों में, लाइब्रेरी की अलमारी, फिर वहां जितने भी दीवान थे अलमारियों में,
गो वो थे मीर के, गालिब के, या कि मोमिन के, सबके चेहरों पे चमक आई बाद बरसों के। सबके चेहरों पे चमक आई बाद बरसों के, मैं कदे हो गए आबाद बाद बरसों के, मुस्कुराने लगे नाशाद बाद बरसों के, हाय क्या शह थी वो टूटी बहर सी एक लड़की। क्या बात है, वाह, हाय क्या शहद शह थी वो टूटी बहर सी। क्या बात है, अब हमें पता लग गया, जब हमें सांस चढ़ेंगे और हम हाफेंगे तो हम टूटी हुई बहर सी लड़की होंगे। बहुत खूबसूरत जो है नज़्म थी, बहुत बढ़िया। और दोस्तों उर्मिल ये सोचिए, अगर वो उम्दा बहर की होती तो फिर नज़्म कहाँ जाती, अभी तो बहर टूटी हुई थी। सही बात, उम्दा बहर टूटी हुई थी। और दोस्तों अब एक मैं जिनसे आप सब परिचय करवाने वाली हूँ, मैं पवन शर्मा जी की बात कर रही हूँ, हमारे सामने बैठे हैं, बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे तो हमारे मुशायरे में जो आते हैं वो सारे ही होते हैं, जो एक ना भी मुस्कुराएगा तो हमारा जो कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि हंसी आए बगैर रह ही नहीं सकती, हंसाई बगैर रह ही नहीं सकते। और पवन जी शिमला से हैं और गीत गज़ल नज़्म कविता सभी विधाओं पे लिखते हैं। और इसके अलावा अगर इनके कार्य की बात करें तो भाई दोस्तों आप कर्मकांडी हैं, यानी कि आप जो पूजा पाठ ब्याह शादी ये जितने भी ब्याह शादी करवाते हैं और जितने तरह के भी बंधन पल्ला बांधते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और यही इनका प्रोफेशन। और बहुत खूबसूरत जो है आज के समय में बहुत बढ़िया है, जिनकी शादियां अगर नहीं सफल हों तो इनको गाली भी देंगे लोग। तो दोस्तों लेकिन एक सफल लेखक हम ज़रूर कहते हैं और ख़ुद भी जो है बहुत अच्छा कहते हैं, तो मैं उनको दावत सुखन देती हूँ पढ़ने के लिए। और यही कहूँगी कि ज़िंदगी को समझने वाला शायर है तो कुछ इस अंदाज़ के हैं कि कहते हैं कि धीरे धीरे ज़िंदगी का मतलब समझ रहे हैं हम, धीरे धीरे ज़िंदगी का मतलब समझ रहे हैं हम, जिनका मतलब निकल गया वो ज़िंदगी से निकल रहे हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि दुनियादारी पर कहते हैं, और चलते हैं उनकी ओर, हिमाचल से हैं तो देखें उनके पास क्या है। जी स्वागत है, शुक्रिया सर जी। तो सबसे पहले मैं आपसे सबसे पहले पूछती हूँ, कितनी शादियाँ करवाई हैं अभी तक? काफी करवा दिया, याद नहीं है। अच्छा, इतनी करवा दी कि याद नहीं है, और सफल कितनी हुई है ये भी नहीं पता होगा? सफल तो मैं वापस तो गया नहीं वहाँ पे, लेकिन ये है कि लगभग सभी सफल रही है। क्या बात है, क्योंकि प्रभु का कार्य है, प्रभु के लिए समर्पित होता है। भारतीय सनातन में भूमिका निभाते हैं। नहीं नहीं, वैसे भारतीय देखिए दोस्तों, भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक जो है घर चलाना, विवाह जो हमारी संस्था है, जो ये परंपरा है, यही तो हमारी सनातन संस्कृति को बचाए हुए है। बहुत खूबसूरत कार्य है जी। तो अपनी पंक्तियों को शुरू करने से पहले दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा अपने बारे में जी, कि हिमाचल का बेटा हूँ, हिमाचल से आया हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ, हिमाचल से आया हूँ, ठंडी हवा का झोंका ऊंचे पर्वतों से लाया। क्या बात है, पहाड़ी बोली पहाड़ी टोपी है पहचान अपनी, पहाड़ी बोली पहाड़ी टोपी है पहचान अपनी, मैं एक झलक हिमाचल की दिखाने आया हूँ। क्या बात है, मैं एक झलक हिमाचल की दिखाने आया जी, स्वागत। जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल गर्मियों का मौसम है और जंगलों में अंधाधुंध आग लग रही है जी, तो उसी पे मैंने एक कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं तो आपके सामने सुनाना चाहूँगा। कि गर्मी आते ही माचिस उठा लेते हो, गर्मी आते ही माचिस उठा लेते हो, हरे भरे जंगलों में आग लगा देते हो। मासूम जानवर भाग भाग मर जाते हैं, मासूम जानवर भाग भाग मर जाते हैं, कितनों के आशियां धू धू जल जाते हैं। बेवजह जंगलों को जलाना नहीं चाहिए, बेवजह जंगलों को जलाना नहीं चाहिए, बेजुबान मासूमों को सताना नहीं चाहिए। ईश्वर की बनाई सृष्टि से हम प्यार करें, ईश्वर की बनाई सृष्टि से हम प्यार करें, पेड़ों को लगाकर धरती का श्रृंगार करें। आसमां भी रो पड़ा देख कुकर्म इंसान के, आसमां भी रो पड़ा देख कुकर्म इंसान के, देर है मगर अंधेर नहीं घर में भगवान के। कहते हो फिर समय पर बरसात नहीं होती, कहते हो फिर समय पर बरसात नहीं होती, हम बिगड़ गए हैं
प्रकृति खिलाफ नहीं होती। हरा भरा हो देश हमारा, आओ पेड़ लगाएं। हरा भरा हो देश हमारा, आओ पेड़ लगाएं। सच्चे नागरिक होने का हम कर्तव्य निभाएं। सच्चे नागरिक होने का हम कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत बढ़िया। और दोस्तों, देवभूमि से है और वृक्ष लगाने की बात करते हैं, हरी भरी धरती को बनाए रखने का संदेश देते हैं और वाकई बहुत ज़रूरत है अपने पर्यावरण को बचाने की। और शबाब पर है महफिल और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की और बहुत अच्छी कविता कहते हैं, शायरी करते हैं, उपन्यास कहानी में ख़ास मुकाम हासिल हुए हैं और नाटक थिएटर यानी अभिनय की बात करें तो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और अनेकों किताबें राष्ट्र स्तर पर भी अवार्डेड हैं, सम्मानित हैं और बहुत कुछ हैं, तभी तो आज हमारे साथ हैं, जयश्री वी के प्रांगण में हमारे समक्ष बैठे हैं। और दोस्तों, शायरी की बात कविता की बात है तो कविता के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ और बात करूँ कि कहाँ से हैं तो आप उनकी भाषा से, उनके अंदाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्वालियर या भोपाल एमपी के हैं। एमपी वालों की भाषा बहुत गजब की होती है और गजब के शायर हैं और उनका अंदाज़ बताती हूँ जो उनका मिजाज है। कहते हैं कि जिसने जवाब देना गवारा नहीं किया, जिसने जवाब देना गवारा नहीं किया, हमने उसे सलाम दोबारा नहीं किया। और दिल के सिवा, नज़र के सिवा, रूह के सिवा, दिल के सिवा, नज़र के सिवा, रूह के सिवा, अनिल जी हमने जिक्र तुम्हारा किसी से नहीं किया, हमने जिक्र तुम्हारा किसी से नहीं किया। जी हाँ, आपको आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। धन्यवाद उर्मिल जी। जी, जैसे कि अभी पवन जी ने बात छेड़ी थी, आधुनिकता की दौड़ में हम पीछे क्या क्या छोड़कर आए हैं, क्या क्या मिस कर रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ जी और अपनी ये कविता सुना रहा हूँ जी। शीर्षक है पीपल बाबा। पीपल बाबा जी। जी, बेटा बस एक बार, एक बार चले आओ गांव। बेटा बस एक बार, एक बार चले आओ गांव। सपने में बार बार अपनी मजबूत शाखों को बाहों की तरह पसार कर बुलाते हैं पीपल बाबा। नींद खुलने पर देर तक पसीने में नहाया मैं, भटकता रहता हूँ अतीत की स्मृतियों में। गांव की चौपाल पर मजबूत हरी भरी शाखों से सबका अभिवादन करते नंग धड़ंग बच्चों को बाहों में भर स्नेह से दुलारते अल्हड़ किशोरियों सुहागनों को शाखों पर झूला झुलाते अंधेरा होते ही घर जाने की हिदायत देते गांव भर के शुभचिंतक पीपल बाबा। बेलोस गांव अल्हड़ गलियों को समझाता बुझाता, घर की दहलीजों की मर्यादाएं बताता, खेतों को बदलते मौसम समझाता, न कोई अपराध न कोई खून खराबा, गांव के गौरवशाली अतीत पर तब कितना इतराते थे पीपल बाबा। अब ढेरों आशंकाओं से त्रस्त शहर के आगमन पर स्तब्ध चकित से हैं पीपल बाबा। अब ढेरों आशंकाओं से त्रस्त शहर के आगमन पर स्तब्ध चकित से हैं पीपल बाबा। वास्तुशिल्प के हुनर का कमाल, हुमकते सीनों से उन्नत शॉपिंग मॉल, नपी तुली सुंदर कायाओं की इमारतें, संतुलित कदमों से कैटवॉक करती सड़कें, बेलोस गांव ने चारपाई पकड़ ली है। बेलोस गांव ने चारपाई पकड़ ली है, अल्लड़ गलियां सिमट कर घर के जर्जर दरवाजे की झिरी से लालायत सी ताक रही हैं चिकनी सपाट सड़कों की सुगठित देहयष्टि। घर के जर्जर दरवाजे की झिरी से लालायत सी ताक रही हैं चिकनी सपाट सड़कों की सुगठित देहयष्टि। शहर मंद मंद मुस्करा रहा है, शहर मंद मंद मुस्करा रहा है, गलियों को सपने दिखा रहा है। तुम्हें सड़कों की शक्ल में संवारा जाएगा, तुम्हें सड़कों की शक्ल में संवारा जाएगा। कच्चे मकानों खपरेलों के सीने में गंगा मैया का गारा नहीं, फौलादी सीमेंट
और लोहा भरा जाएगा, जिन पर नहीं होगा मौसम का असर, कब आएंगे कब जाएंगे, हेमंत वसंत सावन पतझड़ पता नहीं लगने देगा शहर, कब आएंगे कब जाएंगे, हेमंत वसंत सावन पतझड़ पता नहीं लगने देगा शहर, चिंतित पीपल बाबा बुलाते हैं मुझे बार बार, बेटा बस आखिरी बार मिल जा गांव आकर, मैं सोच में निमग्न हूँ, लंबी फहरिस्त ढेरों काम, कैसे मिलेगी फुर्सत, पत्नी सुझाव देती है 25 बरस नहीं गए तो 5 महीने और रुक जाओ, तब तक वहाँ भी पहुँच जाएंगे मोबाइल इंटरनेट और टेलीफोन, जी भर कर कर लेना फिर बात उनसे, जो भी हो तुम्हारे ये पीपल बाबा। पत्नी को समझाना व्यर्थ है, गांव जाना तो चाहता हूँ मैं, पर एक आशंका है मन में, शहर जब लील चुका होगा पूरा का पूरा गांव, तब क्या शर्त है कि मुझे पीपल बाबा वहीं चौपाल पर शाखों से स्वागत करते मिलेंगे, और वहाँ उनकी जगह नहीं होगा कोई बियर बार, और वहाँ उनकी जगह नहीं होगा कोई बियर बार। धन्यवाद। क्या बात है अनिल जी, आप यकीन मानिए ये मेरे साथ हुआ था, मैं काफ़ी समय के बाद गांव गई और हमें था बचपन से जो गांव के अड्डे पे बड़ा सा बरगद का पेड़ पीपल का पेड़ जिसके नीचे हम बैठते थे बस के इंतज़ार में, और जब अगली बार गए तो वो टूट चुका था हवा के उससे पुराना हो के, और वहाँ पे ठेका खुला हुआ है, तो वाकई जो आपने लिखा है ना वो कल्पना नहीं है वो हकीकत है, और दुख होता है कि अपने बचपन के उस ठौर को ठिकाने को जब हम दिमाग में कितना जहन में पालते हैं उन यादों को और यादों को जड़ों से काट दिया और उसकी जगह जो है ठेके खुल जाते हैं, तो तकलीफ शायर को कितनी होती है, सभी को होती है, पर शायर अपने शब्दों से अपनी आत्मा अभिव्यक्त करता है, तो बहुत ही खूबसूरत कविता है। और अब हम इस कड़ी में आते हैं फिर से आलोक शर्मा जी की ओर, और आलोक जी मैं उनके बाद नाटक थिएटर अभिनय सब सभी विधाओं में एक्टर भी रहे हैं और हर विधा में काम करते हैं, और ये भी गाँव की ओर लेकर गए थे अभी, खूब कितना खूबसूरत मंजर कशी करी थी, गाँव याद दिला दिया था, और आवाज़ के मालिक हैं, तो देखते हैं इनकी मर्जी है, बाकी हम तो उम्मीद करते हैं कि शुक्रिया जी सके जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत खूबसूरत कलाम भी, वक्त में हम भगत सिंह तो चाहते हैं कि पैदा हो, लेकिन पड़ोस में अपने घर में कोई भी भगत सिंह पैदा करना नहीं चाहता, महान व्यक्ति पैदा करना नहीं चाहता, उसी पर एक ईश्वर और मेरे बीच एक वार्तालाप कन्वर्सेशन है जी। उस पर ही कविता है कि एक रोज कष्ट में की गई भक्ति से प्रसन्न हो, कहा ईश्वर ने पुत्र मैं बनाना चाहता हूं तुम्हें अमर महान, क्या बनोगे पुत्र, गांधी बुद्ध कबीर या रसखान। एक रोज कष्ट में की गई भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने कहा पुत्र मैं बनाना चाहता हूँ तुम्हें अमर महान, क्या बनोगे पुत्र, गांधी बुद्ध कबीर या रसखान, तुम होगे मन से पूर्णतः सच्चे, आजीवन पढ़ेंगे तुम्हें बच्चे, मनाई जाएगी जयंती होगा गुणगान, क्या बनोगे पुत्र, गांधी बुद्ध कबीर या रसखान। मैंने कहा प्रभु जुगाड़ जतन से मैंने बहुत कमाया है पैसा, पूरे मोहल्ले में आखिर कौन है मेरे जैसा, मकान परिवार कार आप ही तो कहते हो ना प्रभु, जीवन के हैं बस दिन चार, दिन चार। तो समझा करो प्रभु मेरे परवरदिगार, प्रभु आप तो करा रहे हो पत्थर में भी अपनी पूजा, पता है महंगी मोटरसाइकिल की जिद लिए मेरा बेटा एसी में पड़ा है सूजा, अगर देना ही है प्रभु तो उसका जुगाड़ करा दो, जो प्लाट निकले हैं सरकारी दो चार वही भरा दो, अच्छा अगर प्रसन्न हो आप ज्यादा प्रभु तो मेरा बीपी शुगर सर्वाइकल एकदम टिच करा दो, क्या बात है, चलता हूँ प्रभु, बाजार से लाना है चिकन पनीर, पत्नी कुछ ठीक नहीं है भूख से है वो बहुत अधीर, और कल दफ्तर भी जाना है जल्दी, हाँ याद आया घर में खत्म हो गई है हल्दी,
लेट हो रहा हूँ प्रभु, वर्तमान युग में मैं ही नहीं आखिर कोई भी नहीं चाहता महान बनना अमर होना। थैंक यू। बहुत दोस्तों, अब जो है आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हम आते हैं पवन जी की ओर आते हैं, कविता तैयार किए हुए बैठे हैं, तो पवन जी स्वागत है जी। तो मैं एक गीत सुनाना चाहूँगा, दर्द भरा गीत है जी। मत पूछ मुझसे मैं बता नहीं पाऊँगा। अच्छा। मत पूछ मुझसे मैं बता नहीं पाऊँगा, दर्द दिल का तुझे दिखा नहीं पाऊँगा। मत पूछ मुझसे मैं बता नहीं पाऊँगा, दर्द दिल का तुझे दिखा नहीं पाऊँगा। शेर सुनेगा कि तन्हा ही रहने दे अपनी तन्हाई में मुझे, तन्हा ही रहने दे अपनी तन्हाई में मुझे, महफिल में तेरी मुस्कुरा नहीं पाऊँगा। क्या बात है। महफिल में तेरी मुस्कुरा नहीं पाऊँगा। आगे सुनेगा कि यूं जो तुम बार बार पूछते रहोगे मुझसे, यूं जो तुम बार बार पूछते रहोगे मुझसे, सबब दिल टूटने का बता नहीं पाऊँगा। क्या बात। सबब दिल टूटने का बता नहीं पाऊँगा। मेरे उदास रहने का तू इतना गम ना कर, मेरे उदास रहने का तू इतना गम ना कर, तुझे सीने से अपने में लगा नहीं पाऊंगा। क्या बात। तुझे सीने से अपने में लगा नहीं पाऊंगा। आगे सुनेगा कि बचा कुछ नहीं इश्क में नीलाम हो चुका हूँ, बचा कुछ नहीं इश्क में नीलाम हो चुका हूँ, अब सौदा दो दिलों का मैं कर नहीं पाऊंगा, अब सौदा मैं दो दिलों का कर नहीं पाऊंगा। आखिरी पंक्ति सुनेगा कि कुवत नहीं अब इतनी कि मैं भी दिल लगाऊं, कुवत नहीं अब इतनी कि मैं भी दिल लगाऊं, फिर चोट खाने की हिम्मत जुटा नहीं पाऊंगा, फिर चोट खाने की हिम्मत जुटा नहीं पाऊंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत आज महफिल में गांव की बात है, बरगद की बात है और ज़िंदगी की बात है, और वो लड़की जिस पे नज़्म कही कमाल साहब ने कि उसकी जो हाफती हुई सांसें हैं उस पर भी नज़्म कही, तो बेबहर से, क्योंकि जो शायर होते हैं वो बहर में लिखते हैं अपने गज़ल, काफिया, मक्ता, मतला और जितनी भी बहरें होती हैं, और बहरें छोटी बड़ी और टुकड़ों टुकड़ों में भी बहर लिखी जाती है, उसके कई रुकन होते हैं। तो जैसे सांसें टूटती हैं, हाफ सांसें चढ़ती हैं, हाफती हुई सांसों को इन्होंने रुकन की तरह तोड़ा है, तो हाफती हुई सांसों को इन्होंने बेबहर सी लड़की कहा। बहुत खूबसूरत ना शायर है, उनके अंदाज़ ही कुछ ऐसा होना स्वाभाविक है। हम फिर से उनको दावत सुखन देते हैं जी। प्रोफेसर आर पी सेठी कबाल साहब जी, स्वागत। मेरे अशार जो सच्चे हैं बहुत कड़वे हैं। वाह। मेरे अशार जो सच्चे हैं बहुत कड़वे हैं, भला कहाँ से लाऊं मैं ढूंढ के नीम के पत्ते, मीठे नीम के पत्ते, मीठे नीम। और दूसरी बात के बहुत दिनों से है नाखून मेरे बेमकसद। अच्छा, क्या बात है। बहुत दिनों से है नाखून मेरे बेमकसद, बहुत दिनों से जिगर में मेरे खराश नहीं। क्या बात। बहुत दिनों से जिगर में मेरे खराश नहीं, और तुम्हारे शहर में हंगामा हो गया कैसे, कोई भी दैरो हरम जबकि आसपास नहीं। क्या बात। कोई भी दैरो हरम। और इसके बाद में जी, मैंने ज्यादातर जिंदगी में औरत के बारे में, उसकी असमत के बारे में, उसके दुख के बारे में लिखा जी। तो इसमें भी एक लड़की के बारे में जी, जिसकी शादी हो गई होती है और वो वापस लौट के जब घर आती है जी, बस इतनी छोटी सी जी जी, अंदेशा। मेरे चेहरे पे ये चोटों के निशान, मेरे अंदेशों के ये जामिन हैं जो मुझे दर्द है। मेरे चेहरे पे ये चोटों के निशान, मेरे अंदेशों के ये जामिन हैं कि मैं जो अक्सर ये पूछा करती थी कि माँ क्या उसकी माँ भी भला तेरे ही जैसी होगी, कि माँ क्या उसकी माँ भी भला तेरे ही जैसी होगी, मेरे बालों को संवारेगी, मुझे चूमेगी, सुबह सुबह वो जगाएगी मुझे, कभी गुड़िया
कभी मिठी कभी बर्फी कहकर। क्या बात है, सुबह सुबह वो जगाएगी मुझे, कभी गुड़िया कभी बर्फी कभी मिठी कहकर। मैं तुझसे पूछा तो करती थी मगर तूने मुझे कभी भी सच से आशना न किया। और पापा भी कहा करते थे, मेरी बच्ची तेरी ससुराल में सब लोग सराहेंगे तुझे, अपनी पलकों पे बिठाएंगे तुझे, तू मगर देख, अपनी माँ से कह रही है, तू मगर देख मेरे चेहरे पर कितनी चोटों के निशान उभरे हैं, तू मगर देख मेरे चेहरे पर कितनी चोटों के निशान उभरे हैं मेरी आंखों पे मेरे गालों पे। अगला मिसरा ध्यान दीजिएगा, मेरी आंखों पे मेरे गालों पर खून से तरबतर उल्फत के निशान। खून से तरबतर उल्फत के निशान तेरी और पापा की उम्मीदों को झुठलाते हैं। क्या बात, सही बात, तेरी और पापा की उम्मीदों को झुठलाते हैं। देख उसने और उसकी माँ ने मुझे, देख उसने और उसकी माँ ने मुझे कितना जी भर के लाड प्यार किया। क्या बात है, कितना जी भर के लाड प्यार किया, बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं कुमार शर्मा अनिल जी की ओर, उनसे कविता के लिए आग्रह करते हैं। जी धन्यवाद उर्मिल जी, एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं। स्वागत पिता के ऊपर है जी। बहुत निरंकुश थे तुम, तानाशाह होने की हद तक मेरे पिता। बहुत निरंकुश थे तुम, तानाशाह होने की हद तक मेरे पिता। माँ बताती थी तुम केवल घर में ही ऐसे थे, माँ बताती थी तुम केवल घर में ही ऐसे थे, निरंकुश तानाशाह। घर से बाहर निकलते ही हो जाता था तुम्हारा कायाकल्प। अच्छा। घर से बाहर निकलते ही हो जाता था तुम्हारा कायाकल्प। दफ्तर में अपने बॉस का तुम हर हुक्म बजाते थे, सब्जी वाले भैया राशन वाले लाला सभी से करते थे प्रार्थना, दाम कुछ कम कर लो भैया। घर में सभी डरते थे तुमसे और बाहर तुम सभी से। घर में सभी डरते थे तुमसे और बाहर तुम सभी से, जबकि मेरा बाल मन चाहता था ठीक इसका उलट। जबकि मेरा बाल मन चाहता था ठीक इसका उलट। जान गया हूँ मैं अब उन ताकतों कमज़ोरियों को जो एक कमज़ोर आदमी को बनाती हैं घर में तानाशाह निरंकुश। क्या बात है, जान गया हूँ मैं अब उन ताकतों कमज़ोरियों को जो एक कमज़ोर आदमी को बनाती हैं घर में तानाशाह निरंकुश। क्योंकि पत्नी और बच्चे ही होते हैं सबसे निर्बल, क्योंकि पत्नी और बच्चे ही होते हैं सबसे निर्मल निर्बल। तुम बच्चों से भी निर्बल थे मेरे पिता। लेकिन अब जब तुम नहीं हो मेरे साथ मैं छायाहीन क्यों हो गया हूँ। क्या बहुत ही खूबसूरत कविता दोस्तों जी। और अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं ने सभी को आमंत्रित किया हुआ है। बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, लेखिका हैं, गद्य और पद्य दोनों में ही कमाल का लिखती हैं। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं। इशारा तो समझ गई हूं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं उर्मिल सखी को जी, एक छोटी सी कविता अपनी सुनाएं जी। उर्मिल सखी जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों वो लड़की, जैसे कि प्रोफेसर सेठी साहब ने वो लड़की के ऊपर बताई नज्म लिखी, तो मेरी भी एक लड़की है वो लड़की। स्वागत है। वो आज जैसी है ऐसी पहले कहाँ थी वो,
वो आज जैसी है ऐसी पहले कहाँ थी वो, खूबसूरत चंचल हिरनी थी वो, नाजुक रंगीन तितली थी वो, बेहद ही हसीन थी वो, उस पर बहुत जहीन थी वो। वो जो थी तब अब थोड़ी ना है वो, वो जो थी तब अब थोड़ी ना है वो जो आज ऐसी है ऐसी पहले कहाँ थी वो। आँखों में उमड़ता सैलाब था, दिल दहकता आफताब था, धड़कने बेकाबू घोड़ा थी वो, इतनी कमज़ोर थोड़ा थी वो, इतनी कमज़ोर थोड़ा थी वो, जो थी तब अब थोड़ी ना है वो जो आज ऐसी है ऐसी पहले कहाँ थी वो। ध्यान चाहती हूँ, तेरे छुटे हाथ ने, हाथ से छुटे साथ ने, दिल के आघात ने, रिश्तों की ताक ने, समाज की नाक ने उसे लोहा बना दिया। तेरे छुटे हाथ ने, हाथ से छुटे साथ ने, दिल के आघात ने, रिश्तों की ताक ने, समाज की नाक ने उसे लोहा बना दिया। अब वक्त के हथौड़े जब उसे कूटते हैं तो वो आह की आवाज़ें नहीं करती। अब वो वक्त के हथौड़े जब उसे कूटते हैं तो वो आह की आवाज़ें नहीं करती, बेबसी का लावा नहीं फूटता, बल्कि और चोट लगने पर वो और भी निखर उठती है, बल्कि और चोट लगने पर वो और भी निखर उठती है। उसका ये निखरा रंग अब भी लोगों को कहाँ सुहाता है, उसका ये निखरा रंग अब भी लोगों को कहाँ सुहाता है, कोई व्यंग या चुटकुला उस पर छोड़ा जाता है, कोई व्यंग्य या कोई चुटकुला उस पर छोड़ा जाता है। कहते हैं कि बेअसर है वो, कहते हैं कि बेअसर है वो, दरअसल बहुत असर होने के बाद बेअसर हुई है वो। दरअसल बहुत असर होने के बाद बेअसर हुई है वो, वक्त ने उसे सभी मौसमों की मार दी है, उसने अपनी जिंदगी फिर भी सवार दी है, उसने अपनी जिंदगी फिर भी सवार दी है। सैलाब आफताब घोड़ा हिरनी तितली हसीन जहीन रिश्तों की ताक समाज की नाक हथौड़े गूंगी चीखों और लोहे से बनी एक किताब है वो सखी, जिसे अब लोग पढ़ने लगे हैं, सखी जिसे लोग अब पढ़ने लगे हैं, जो आज ऐसी है पहले ऐसी कहाँ थी जी। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, वो लड़की आज भी समाज में है, दुनिया में है, ये लड़कियाँ, वो लड़कियाँ तो ज़रूर हैं लेकिन हालात के हाथों तो मजबूर हैं शायद, सामने भी हो सकता है मैं भी वही लड़की हूँ। तो दोस्तों, अनिल जी, कमाल साहब, आलोक जी और पवन जी, आप जो हैं दस्तक, यहाँ पे दस्तक दिया आपने जस्ट टीवी के प्रांगण में, महफिल मुशायरे की शान बढ़ाई। सबसे पहले तो हम जस्ट टीवी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने हमें बहुत सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुलाकातें होती रहेंगी। बिल्कुल। और दोस्तों, अब क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे ना, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए, बहुत जल्द लौटेंगे एक और महफिल लेकर। अब हम सभी को दीजिए अनुमति, प्रणाम।